हेलो दीपक केडकर देसाई, असफलता के लिए कारणीभूत कौन है इसके बारे में आप हम देखेंगे। इसका एक दूसरा रूप है कि जो भी शिकायतें आप करते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है या कारणीभूत कौन है। देखो जिंदगी में हम जो विचार करते हैं, हम जो कृति करते हैं, हम जो योजनाएं बनाते हैं, उसका चॉइस हमारे पास में है। जो भी हम करते हैं वो हमारे हमारा चॉइस है, मतलब हम हमारे मर्जी से करते हैं। जो भी कुछ करते हैं, जैसा अच्छा खाना खाना, मतलब जंक फूड नहीं खाना, एक्सरसाइज करना, जॉब पे किसको कंटिन्यू रखना या नहीं रखना, हमने खुद ने जॉब में कंटिन्यू करना है नहीं करना, पत्नी के साथ में बिहेवियर कैसा करना, ट्रांसफर लेना या नहीं लेना, प्रमोशन लेना नहीं लेना, बिजनेस कौन सा चूज करना, लोगों का सपोर्ट लेना नहीं लेना, अकेला काम करना, मतलब ऐसी सब चीजें जो है वो हमारी मर्जी है, चॉइस है ना। मगर हम क्या करते हैं कि हम उसमें जिम्मेवार है या उसके लिए मैं कारणीभूत हूं या मैंने कुछ करना चाहिए, उसके बजाय हम उसके बारे में कंप्लेन करते रहते जो हो रहा उसके बारे में, शिकायतें करते रहते जो हो रहा उसके बारे में। अच्छा, शिकायत हम वहां ही करते हैं जहां हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, मतलब वहां कृति करके हम वो मसले का हल निकाल सकते हैं। मगर हम क्या करेंगे, हम मसले का हल निकालेंगे नहीं और हम शिकायत करते हैं। तो शिकायत वहीं करते हैं कि जहां जो प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं या कर सकते हैं। जहां हमको सॉल्यूशन मालूम नहीं, जहां हम कुछ कर नहीं सकते वहां शिकायत भी नहीं करते। उदाहरण के तौर पे ग्रेविटी जो है, तो ग्रेविटी में हमको मालूम है कि ग्रेविटी के वजह से कोई भी चीज जो है हम छोड़ देते हैं हवा में तो वो नीचे गिर जाती है, और वो निसर्ग का नेचर का नियम है, उसके बारे में हमको कोई शिकायत नहीं। समझो मेरे हाथ में चाय पीते पीते कब मेरे हाथ से निकल गया, नीचे गिर गया, तो टूटने वाला है, तो मैं ग्रेविटी के बारे में शिकायत नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे मुझे मतलब वहां मुझे कुछ नहीं करना ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। उल्टा ग्रेविटी का हम इस्तेमाल हमारे फायदे के लिए कर लेते, जैसा ड्रेनेज सिस्टम जो हमारी है ना, वो ग्रेविटी के नियम मतलब नियम के ऊपर है। जैसा पानी पीने का हम बुलवाता है वो ग्रेविटी है, उसकी वजह से हमको पानी हम लाते हैं नल की वजह से या वहां मतलब पाइपलाइन। तो जहां जहां हमको फायदा होता है वहां ग्रेविटी का फायदा कर लेते, उसके बाद शिकायत नहीं करते। कोई एकाधिक कंट्री है फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के तौर पे कि भाई मुझे अमेरिका का अध्यक्ष या दक्षिण कोरिया का अध्यक्ष जो है या जापान का अध्यक्ष है उसके बारे में कोई शिकायत नहीं, मेरा कोई संबंध आता नहीं, मैं शिकायत क्यों करूं। तो जहां मेरा संबंध आता है, जहां मैं कुछ कर सकता हूं, हमें शिकायत करूंगा। ये पक्का है कि मैं जॉब छोड़ सकता हूं इसमें चाहिए तो, मगर नहीं मैं जॉब छोड़ूंगा नहीं, और मेरे बॉस के बारे में मैं शिकायत करते रहूंगा, कंपनी के बारे में शिकायत करूंगा, मेरा जो स्टाफ है, मेरे जो कर्मचारी है उनको छोड़ देने का चॉइस मुझे है, मगर मैं वो तो नहीं करूंगा, उनके बारे में कंप्लेन करूंगा कि वो टाइम पे आते नहीं, वो ज्यादा तनख्वाह मांगते हैं, वो अपना समझ के काम नहीं करेंगे, ऐसा उनके बारे में शिकायत करूंगा। लोगों के बारे में शिकायत करूंगा, लोग सपोर्ट करते नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में शिकायत करूंगा। हालांकि मुझे चॉइस है कि यदि पत्नी मेरा सुनती नहीं है या पत्नी का मेरा झगड़ा हो रहा है, पत्नी गुस्सा करने वाली है, रोज हमारे झगड़े हो रहे हैं, अभी मेरे पास में चॉइस है, यदि मेरा और पत्नी का पट्टा नहीं है तो शिकायत करने के बजाय कि मेरी पत्नी गुस्सा करने वाली है, मेरी पत्नी सुनती नहीं है, मेरी पत्नी मेरा आदर स्वागत नहीं करती है, तो चॉइस मेरा यह है कि भाई उसको कोई मानसिक प्रॉब्लम है क्या, तो उसका मसला जो है मतलब वो जो है उसका हल करो। मानसिक प्रॉब्लम नहीं है उसको कोई मतलब पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है तो उसका मतलब वो हल करो, या उसको कोई डेवलपमेंटली सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स करवाओ, उसको काउंसिलर के पास में लेके जाओ, उसको उसके मन माफक मतलब उसके मन को जैसा अच्छा लगता है मन माफक वो करो, जो भी कर सकते हैं उसके लिए करो, और नहीं तो उसको आपको डाइवर्स देने का भी चॉइस है, मगर आप करेंगे कुछ नहीं, शिकायत करते रहेंगे। बच्चा मेरी सुनता नहीं, बच्चा मेरी सुनता नहीं है, बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं है, बच्चा मेरी सुनता नहीं, ऐसा बोलते जाएंगे। आपको चॉइस है कि आपको
आप बच्चों को काउंसलर के पास ले जा सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट कोर्स करवा सकते हैं, उसको स्पेशल ट्यूशन लगा सकते हैं, उसकी स्कूल बदल सकते हैं, उसको स्पेशल अटेंशन दे सकते हैं, स्पेशल मास्टर लगा सकते हैं, स्पेशल कोचिंग कर सकते हैं, जो भी चाहिए आप कर सकते हैं, मगर आपको करेंगे नहीं और उसके बारे में शिकायत करते रहे, वो चॉइस एक्सरसाइज नहीं करेंगे। आपको ये देखना है कि भाई आपको चॉइस जहां जहां है वो चॉइस करो, और जहां भी हम कुछ कर सकते उसकी जिम्मेवारी को, और जिम्मेवारी लेके वो करो, मगर हम वो करते क्यों नहीं है, हम जिम्मेवारी लेते क्यों नहीं, बजाय एक्शन लेना उसके बदले हम शिकायत क्यों करते हैं, क्या कारण है वो हमको देखना पड़ेगा। शिकायत हम इसलिए करते हैं कि हमको वहां जिम्मेवारी लेनी नहीं, नंबर एक। नंबर दो, यदि मैं कुछ एक्शन लेता हूं, कृति करता हूं, तो उससे कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, वो कृति जो है उससे असफलता मिली या उससे कोई नए प्रॉब्लम तैयार हो गए, तो लोग जो है वो मुझे दोषी ठहराएंगे, मेरी मां क्या बोलेंगी, मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, मेरा स्टाफ क्या बोलेगा, मेरा बॉस क्या बोलेगा, तो मैं अकेला हो जाऊंगा, लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मेरे को दोषी पकड़ेंगे, इसलिए मैं निर्णय नहीं लूंगा। या फिर समझो मेरे स्टाफ मेरा मानता नहीं, उसको निकालने का है, तो मेरे पास में चॉइस निकालने का, मगर वो करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा यदि स्टाफ कर्मचारी को यदि मैं निकालता हूं तो फिर मुझे पेपर में अखबार में एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, लोग बुलाना पड़ेंगे, उनको ट्रेनिंग देना, मतलब उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, वो आदमी कैसा निकलेगा मालूम नहीं है, उससे अच्छा जो चल रहा है वो चलने दो, हम कुछ नहीं करेंगे उसके बारे में। तो जहां एक तो असफलता का डर, लोगों ने गलत साबित करने का डर, असफल हुए तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे वो डर, दूसरा यह कि कष्ट करना पड़ेगा, मतलब अभी जो चल रहा है मैं कंफर्ट जोन में हूं तो मैं डिस्कम्फर्ट जोन में चले जाऊं, है ना, तो मुझे कष्ट करने पड़ेंगे, मुझे तकलीफ हो जाएंगी, तो उससे अच्छा कुछ मत करो, जो चल रहा है वो चलने दो, ऑल इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, वो होगा। इसके बदले क्या है कि जो चल रहा हो चलो। अच्छा, और इसमें और एक बात है, लोग क्या करते हैं जब शिकायत करते हैं तो गलत आदमी के पास में शिकायत करते हैं, मतलब यदि आपका बॉस आपका आपके मन जैसा करता नहीं है, या आपका बॉस खड़ूस है, या आपको बॉस से तकलीफ है, अब आपको ये बॉस के सामने उस बोल के साहस से बोलना पड़ेगा और वहीं वो मसला हल करना पड़ेगा, मगर बॉस के बारे में हम जाके बोलेंगे घर में पत्नी के पास में कि मेरा बॉस ऐसा है, अब पत्नी क्या करेगी, बॉस ऐसा है, पत्नी मेरी ऐसी है, पत्नी के साथ में पट्टा नहीं है, पत्नी ऐसे कर रही है, पत्नी वैसे कर रही है, कहां जाके बोलेंगे, अपने जो स्नेही है, अपने जो दोस्त है उनको जाके बोलेंगे, वो क्या कर सकते हैं इसमें। तो हम क्या करते हैं कि हम गलत आदमी के पास में जाके शिकायत करते रहते, यदि हम वही जहां शिकायत है वही आदमी के पास में जाके वो मसला जो है उसका हल निकालते हैं तो उसके लिए साहस लगेगा, वो मेरे आंग पे आ सकता है, वो मुझे गलत ठहरा सकता है, वो झगड़ा कर सकता है, तो मुझे वो करने का नहीं है, इसलिए मैं बोलूंगा जान दो मैं कुछ करूंगा नहीं और शिकायत करते जाऊंगा। तो गलत आदमी के पास में जाना शिकायत, मतलब गलत आदमी के पास में जाके शिकायत करना, ये भी मतलब प्रॉब्लम है, वहां शिकायत नहीं करेंगे, और गलती आदमी के पास में जाके शिकायत करेंगे जो उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मुझे ये कहना है कि भाई आपकी जिंदगी में जो भी आप कर रहे उसकी आप जवाबदारी लो बजाय शिकायत करना। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप समझो एक होटल में गए, बार एंड रेस्टोरेंट है, और वहां जाके आप देख रहे कि एक आधा व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पी रहा है और पीते ही जा रहा है, उसके शर्ट के ऊपर जो खा रहा है वो गिरा हुआ है, वो तभी भी पीते जा रहा है, मतलब ऐसा गंदा दिख रहा है सब, आप जाके उसको कुछ बोलेंगे और कुछ कमेंट पास करेंगे, हो सकता है कि वो उठ के आपको मारेगा। ये सीन जो है किया किसने, ये आपने किया सीन, आपने उसको कुछ तो भी बोला, आपने उसको कुछ तो भी कहा, और वो सीन उसने क्रिएट किया हुआ है। तो जो भी है वो आप उसके लिए जिम्मेवार हो, और उसकी जिम्मेवारी लेके काम करना, क्योंकि जिंदगी क्रिएट आपको करनी है, जिंदगी तैयार आपको करने की है, आप उसमें मेन आदमी हो, मुख्य आदमी आप है, यदि वो आप ये करते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम उसमें होगा नहीं। तो ये चीजें यदि आप
अपने जीवन में लाते हो तो आपको कहीं शिकायत करने का मौका ही मिलेगा नहीं। आप जिम्मेवारी से काम होंगे, जिम्मेवारी से जीवन जिएंगे और एक सफल व्यक्ति करके आप जीवन जी सकते हो। आपके लोगों के साथ में संबंध अच्छे रहेंगे, आपको मन शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा और जीवन एक प्यार भरा रहेगा। इसके बारे में और कहीं वीडियोस मेरे हैं, वो आप YouTube पे हमारा जो चैनल है वहां लाइक शेयर करो, वो सुनो। और इसमें एडवांटेज और एक है, वो यह है कि यदि आप इस तरह से जीवन जीते हैं ना, मानसिक स्वास्थ्य आपको मिलता है तो मानसिक बीमारियां भी कम होंगी। मेरे पेशेंट कम हो जाए तो वो भी आपको संभव है कि भाई आप मानसिक शांति आपको मिल सकती है। मेरा फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक करो, शेयर करो। और मेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर हमारे बाकी जो हॉस्पिटल है उसके बारे में जानकारी है। नागपुर में हॉस्पिटल है, पुणे में, ठाणा में, तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव बेस्ट विशेस, थैंक यू।